Hi everyone, this is your value education class and this is the chapter 4. Chapter name is respecting yourself, मतलब खुद को respect करिए, सम्मान करिए. Okay, so let's start today's class. You are special. Let us read the story of a social worker who made people realize their value. एक social worker जो समाज के लिए काम करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं social worker, जो कोई पैसा नहीं लेते लेकिन सबके लिए काम करते हैं. जहाँ भी कुछ problem होते हैं वहीं जाके उसको हम लोग social worker बोलते हैं. And who made people realize their value, मतलब इंसान को अपना values समझाए उन्होंने, रियलाइज कराए कि आप कितना स्पेशल हो. यू आर स्पेशल. मिस्टर जेम्स वॉज अ वेरी वेल नोन सोशल वर्कर. मिस्टर जेम्स इनका नाम है जो सोशल वर्कर है. ही वॉज एन ओराटोर. ओराटोर मीन्स स्पीकर, जो जो वक्ता बोला जाता है, जो स्पीच देते हैं उसी को बोला जाता है ओरेटोर. टू मतलब ये सोशल वर्कर तो थे ही एंड अच्छा स्पीकर भी थे. वंस ही वेंट टू विजिट अ सिटी व्हिच हैड रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड एन अर्थक्वेक. मतलब जहाँ की ना कुछ ही दिन पहले अर्थक्वेक हुए थे. देयर ही सॉ दैट ऑल द पीपल हु हैड सर्वाइव्ड द अर्थक्वेक वेर सैड. मतलब जो लोग इसमें बच चुके थे, उसमें सर्वाइव कर चुके थे, तो सारे लोग क्या थे, सैड थे, दुखी थे. मेनी ऑफ देम हैड लॉस्ट एवरीथिंग दे हैड. जो उन लोगों के पास थी वो सब भी बहुत ऐसे लोग थे जो सब कुछ खो चुका था. ड्यू टू दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पीपल हैड लॉस्ट ऑल होप एंड वेर क्वाइट हेल्पलेस. जो ये अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यवश जो ये घटना घटे थे, मतलब अर्थक्वेक हुए थे जिससे कि ना बहुत लोग अपना हार्ट बहुत खो चुका था, बस वो बच पाए इतना ही काफ़ी थे उनके लिए. सो ये लोग क्या थे, बहुत दुखी थे, होपलेस हो गए थे, निराश थे एंड हेल्पलेस. मतलब उनको लगता और कुछ नहीं हो सकता. Seeing all this, Mr. James took pity on them and he seriously wanted to do something for them. ये सब देख के मिस्टर जेम्स जो हैं उन्होंने सीरियसली मतलब मन से चाह रहे थे कि इन लोगों के लिए हम कुछ करें. Turn to next page. After thinking a lot, बहुत कुछ सोचने के बाद he decided to arrange a meeting of the survivors टू मोटिवेट देम. मतलब जो लोग बच चुके थे उन लोगों को उन्होंने सोचे थे कि मोटिवेट करे. बहुत कुछ सोचने के बाद डिसाइडेड करे कि एक मीटिंग बुलाए एंड इन लोगों को कुछ ऐसा कुछ बोलूं कि ये लोग थोड़ा मोटिवेट हो जाए, मतलब जीने के लिए तैयार हो जाए, कुछ करने के लिए तैयार हो जाए. ही गैदर्ड एज मेनी पीपल एज ही कुड. जितना हो सके उन्होंने जोड़े एक साथ बहुत सारे लोगों को. ही स्टार्टेड हिज मीटिंग बाय होल्डिंग अप अ नोट ऑफ रुपी 100. 100 रुपी का एक नोट लेके उन्होंने अपना मीटिंग स्टार्ट किए. ही आस्क्ड द क्राउड. मतलब क्राउड मतलब जितने लोग थे उन लोगों को पूछे थे हु वुड लाइक टू हैव दिस नोट ऑफ 100. हैंड्स स्टार्टेड गोइंग अप. मतलब हु वुड लाइक टू हैव दिस नोट ऑफ 100 ऑफ रुपी 100. हैंड स्टार्टेड गोइंग अप. हाथ उठने लगे. ही सेड आई एम गोइंग टू गिव रुपी 100 टू वन ऑफ यू बट फर्स्ट लेट मी डू दिस. ही प्रोसीडेड टू क्रम्पल द नोट. क्रम्पल द नोट. प्रोसीड
टू क्रम्पल द नोट, मतलब उन्होंने किसको चाहिए ऐसे बोले तो बहुत लोगों का हाथ उठने लगा। उन्होंने बोले कि हाँ किसी को तो हम देंगे नोट, लेकिन यही कि उनका यही करना पड़ेगा कि उस नोट को क्राम करना पड़ेगा, मतलब कुचल देना पड़ेगा। ही देन आक्स हु स्टील वांटेड, मतलब फिर उन्होंने पूछे कौन ही कर सकते। स्टील द हैंड्स वेयर अप इन द ईयर, तब भी कुछ लोगों का हाथ उठे। वेल ही रिप्लाइड, बोले कि ठीक है अच्छा है। उन्होंने आंसर दिया व्हाट इफ आई डू दिस, व्हाट इफ आई डू इस, मतलब उन्होंने बोले अगर मैं ये करूँ। एंड ही ड्रॉप्ड इट ऑन द ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्रम्पल इट फुल्ली विथ हिज फीट, मतलब पैर से उन्होंने कुचल दिए। ही पिक्ड इट अप, नाउ ऑल क्रम्पल एंड डर्टी, मतलब पूरे वो हो गया था, कुचल दिए थे एंड वो गंदे भी हो गया क्योंकि वो अपने फीट से उसको कुचल रहे थे। नाउ हु वांटेड, अभी कौन लेगा। स्टिल सम हैंड्स वेंट अप, फिर भी कुछ हाथ, फिर भी हैंड्स अप किए लोग, कुछ लोगों ने। माय फ्रेंड्स यू ऑल हैव लर्न्ड अ वेरी वैल्यूएबल लेसन, मतलब उन्होंने तब बोले कि आप सारे लोग बहुत एक वैल्यूएबल लेसन सीखे हैं। नो मैटर व्हाट आई डीड टू द करेंसी नोट, मतलब हम ये पैसे के साथ ये नोट के साथ क्या किए ये कोई मैटर नहीं करते। यू स्टिल वांटेड इट बिकॉज इट डिड नॉट डिक्रीज इन वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू नहीं कम हुई इसलिए ना आप लोग फिर भी इसको मांग रहे हैं, चाह रहे हैं। इट इज स्टिल वर्थ रुपी 100, फिर भी इनके जो मूल्य 100 वही रह गए। ही सेड एंड कंटिन्यूड, उन्होंने बोले एंड कंटिन्यूड बोलते रह गए। मेनी अ टाइम्स इन आवर लाइफ, मतलब अपने जीवन में वी आर ड्रॉपिंग क्रम्बल एंड ग्राउंडेड बाई द सरकमफेंसेस, मतलब उस ऐसा कुछ टाइम ऐसा कुछ सिचुएशन आती हैं जब हम लोग एकदम जैसे गिर जाते हैं, कुचल दिया जाता है हम लोगों को, ऐसे कुछ सिचुएशन आते हैं। दैट काम आवर वे, मतलब उस टाइम हम लोग के लाइफ में ऐसे होते हैं कि मतलब और कुछ नहीं हो सकता, हम फिनिश हो गए हैं, मतलब सब कुछ हम लोग खो देते हैं ऐसे। वी फील एस थॉट वी आर वर्थलेस, मतलब हम लोग ऐसे फील करते हैं कि हम लोग एकदम वर्थलेस हो गए, मतलब हमारे जीवन में अभी कुछ बचा ही नहीं रह गए। बट नो मैटर व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट विल बी हैपेंड, मतलब ये कोई मैटर नहीं करता कि क्या हुआ था और क्या होगा अभी आगे। यू विल नेवर लॉस योर वैल्यू, मतलब आप कभी अपना जो वैल्यू है इसको कभी मत खोइएगा। यू आर स्पेशल डोंट एवर फॉरगेट इट, कभी ये मत भूलिए कि आप मतलब आप स्पेशल हो, ये आप हर वक्त याद रखिएगा। हियरिंग दिस अ वे ऑफ पॉजिटिविटी स्प्रेड ऑल ओवर, मतलब ये सुनने के बाद सबके मन में पॉजिटिविटी मतलब सकारात्मक चिंता भावना सोच आने लगे सबके अंदर कि ये हमें कुछ है काबिलियत है। नाउ नो वन हैड अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, मतलब किसी के अंदर वो जो अभी थे कि कोई कुछ नहीं होगा हमसे, होपलेस हो गया था ये हट गया, और सैडनेस। एंड एवरीवन वाज रेडी टू गो अहेड एंड देयर लाइफ, मतलब सारे लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गए थे। लिविंग बिहाइंड व्हाट एवर हैड हैपेंड, मतलब सब पीछे छोड़ी कि क्या अभी हुए थे इन देयर लाइफ, उन लोगों के लाइफ में। वी शुड ऑलवेज बिलीव ऑन आवर सेल्फ एंड ऑल्सो इन द फैक्ट दैट वी आर वेरी स्पेशल एंड यूनिक, मतलब जो अपने जीवन में क्या पीछे हो गया ये कभी नहीं सोच के हमें आगे बढ़ना है, और ऑलवेज ये बिलीव रखना है अपने ऊपर कि हम लोग बहुत स्पेशल है, यूनिक है, क्योंकि गॉड ने हमें क्रिएट किए हैं ना, जो ईश्वर ने जिसे क्रिएट किए कुछ सोच के भेजते हैं,
यही दिमाग में रखना चाहिए सबको। टर्न टू नेक्स्ट पेज। नाउ मॉरल क्या है? लव एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ इन एवरी सिचुएशन। मतलब ऐसा कोई भी सिचुएशन आए लेकिन खुद को प्यार करना चाहिए, खुद को रेस्पेक्ट करना चाहिए। नॉलेज कॉर्नर। सेल्फ रेस्पेक्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है आप हम अपने को रेस्पेक्ट करें। व्हेन यू वैल्यू योर सेल्फ एंड हैव गुड सेल्फ एस्टिमेट यू फील सिक्योर एंड वर्थ वाइल। जब भी आप मतलब खुद को रेस्पेक्ट करोगे तो आप खुद ही सोचोगे कि सिक्योर, अपने वैल्यू को, फीलिंग्स को सिक्योर कर पाओगे। पॉजिटिव थिंकिंग ट्रेनिंग प्रैक्टिस एंड ऑल द यूजफुल वे टू बूस्ट कॉन्फिडेंट लेवल। मतलब हर वक्त एक पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए। हाँ कुछ होगा, फेलियर नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हमसे नहीं होगा, ऐसा कोई कभी नहीं सोचना चाहिए। ऑलवेज रेस्पेक्ट अदर्स एंड वैल्यू देयर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स लाइफ। लाइफ के प्रति जो भावना है, जो थिंकिंग है किसी का भी, ऑलवेज रेस्पेक्ट, उन लोगों को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऑलवेज लव एप्रिशिएट एंड रेस्पेक्ट योर सेल्फ। खुद को प्यार करना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए एंड रेस्पेक्ट करना चाहिए। थिंक अबाउट द वे थॉट विच यू कैन बूस्ट अप ऑफ द मॉरल ऑफ द पर्सन हु हैड लॉस्ट हिज सेल्फ एस्टीमेट। इसमें आपको लेट्स आंसर, ये सारे ट्रू फॉल्स दिया है, देन क्वेश्चन आंसर है। ट्रू फॉल्स ये सब आपके क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जो आपके हाफ ईयरली में आए थे वो एमसीक्यू थे। सो जो जितने सारे शॉर्ट्स है, आप स्टोरी को कई बार रीड करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि स्टोरी के अंदर से ही हम आपको क्वेश्चन देंगे। जो ये सब है इसके बाहर भी कुछ क्वेश्चन आएगा जो आपके स्टोरी के अंदर से दिया जाएगा। मिस्टर जेम्स वाज अ वेरी वेल नोन सोशल वर्कर। ये ट्रू है। ऑल द पीपल हु सर्वाइव द अर्थक्वेक वर हैप्पी। कभी नहीं, ये फॉल्स है। मिस्टर जेम्स डिड नॉट टेक पिटी ऑन द पीपल। फॉल्स है। वी शुड नेवर लूज होप इन आवर लाइफ। ये भी ट्रू है। Where did Mr. James go and what did he see them? Mr. James went to the visit a city. हमने लिखे रखे PDF जगह which had recently experienced earthquake. There he saw that all the people who had survived, मतलब जो लोग अर्थक्वेक में बचे थे वही लोग उधर थे। Why did Mr. James arrange the meeting of the people? क्यों मिस्टर जेम्स अरेंज किए थे मीटिंग लोगों को? मिस्टर जेम्स अरेंज द मीटिंग फॉर द पीपल टू मोटिवेट देम, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए। व्हाट डिड ही डू विद द रुपी 100 नोट? मिस्टर जेम्स सेड क्रम्पिंग द रुपी 100 नोट, मतलब वो कुचल दिए थे 100 रुपीज नोट को। टर्न टू नेक्स्ट पेज। डिड पीपल स्टिल वांट द crumpled rupee 100 rupee note? Yes, people still wanted the 100 rupee note. अगर उसको कुचल भी दिए फिर भी वो रुपी का जो वैल्यू है वो तो खत्म नहीं हुआ था ना, इसलिए तभी लास्ट तक लोगों ने मांगते गए वो 100 rupees को। लेट्स डू इट, इसको करने में आपको मस्ती आएगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट लेट ये क्या है, ये कैट है, कैट का सी हम लेंगे, एप्पल का ये, रैबिट का आर एंड राइनो का ई लेके हम लोग, सॉरी ये एलिफेंट है, एलिफेंट के ई लेके जो क्रिएट हुआ है एक न्यू वर्ड केयर, सी ए आर ई केयर। ऐसे बाकी रेस्ट ऑफ भी मैम ने लाइन के लिए एल ऑरेंज का ओ, वायलिन का वी यानी कई, लव देन आई हॉर्स ईयर ली पैरट एच ई एल एफ हेल्प हाउस होम हार्ट हाउस जो भी आप बोलेंगे एच देन आउल का वो पिकॉक का पी एंड आइस का ई होप। ये सारे जो हैं हम लोगों के साथ किया लव हेल्प होप, ये सारे क्या हैं एक रेस्पेक्ट देते हैं सामने वाले को, हेल्प करना है,
कोई एक अच्छा इंसान होगा तो दूसरे को हेल्प करते हैं, लाभ करते हैं, दूसरे का केयर करते हैं एंड होपफुल होते हैं। सो स्टूडेंट यस नो में भी यस 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 ये सब आपके पीडीएफ में जाएगा। टर्न टू नेक्स्ट पेज, लास्ट तक आपका ये सारे आंसर ये जीरो का आई डू नॉट लूज होप इन लाइफ में, इतना तक ही आपको आपका पीडीएफ में जाएगा। ओके सो स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर माइनोरली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपनी खुद के लाइफ के लिए भी ये चैप्टर। बाय बाय।